नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को मेरी तरफ़ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी मेंबर्स को एसएस मार्केट न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपने चैनल पर दोस्तों, यहां पे 96% मेल मेंबर्स हैं और 4% इसमें फीमेल मेंबर्स हैं। सभी को मेरे चैनल और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और नववर्ष आपका मंगलमय हो। और उसी की शुरुआत दोस्तों, यहां पे जिस प्रकार मैंने आपको अपडेट दी थी, तो आपकी शुरुआत गजब की यहां पे शुरुआत हुई है। और बताए गए अनुसार अपना यहां पे फर्स्ट टारगेट यहां पे कंप्लीट भी हुआ है, और आपके यहां पे प्रॉफिट यानी कि कहें नए वर्ष की शुरुआत हुई है, तो आपके प्रॉफिट से ही शुरुआत यहाँ पर हुई है। जिस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी में मैंने आपके सामने टारगेट निकाला था 27,400 का फर्स्ट टारगेट निकाला था, और उस वीडियो में 27,800 का सेकंड टारगेट निकाला था, और हाई जो निकाला था लॉन्ग टर्म के लिए मैंने 30,000 रुपये का यानी संभावना यहाँ पे मैंने बताई थी कि 30,000 भी लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी गेन कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को ये अपना फर्स्ट जो टारगेट है वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट मिलता हुआ, और यहाँ पे बिल्कुल ये अपना फर्स्ट टारगेट के ऊपर जाके अपने बैंक निफ्टी भी फर्स्ट टारगेट पे ही खड़ा है, और यहाँ पे आपको मैं आशा करता हूँ अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और समझदारी भी रखना चाहिए कि टारगेट पे आने के बाद में, फर्स्ट टारगेट के आने के बाद में अपन को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए नहीं कि ये तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं कि तो सेकंड टारगेट का आप वेट कर सकते हो, लेकिन सेकंड टारगेट दोस्तों जिसकी कल ये अगर सेकंड टारगेट नहीं दिखाता है, अपना 27,800 का सेकंड टारगेट नहीं दिखाता है, तो बैंक निफ्टी में ये सेकंड टारगेट में फिर ये इसमें 2-3 दिन का समय या 4-5 दिन का समय ये निकाल सकता है, और कहें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में दोस्तों जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी आने वाले यानी कि महीनों में एक नया हाई बना सकता है, और वो नया हाई मैंने 30,000 बताया था, जो हायर हाई यानी कि लॉन्ग टर्म मैक्सिमम जो अब तक बैंक निफ्टी जब से चला है और जब तक शेयर मार्केट जो चला है और अपने बैंक निफ्टी जो निकला है इसका आंकड़ा, तो सबसे जो यानी कि इसका हाई 28,000 यहाँ पे देख रही हूँ 28,388 है, तो मैंने डायरेक्ट आपके सामने 30,000 का आंकड़ा रखा था कि 30,000 तक इसके जाने की संभावना मुझे लग रही है कि बैंक निफ्टी 30,000 जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैंने बता दिया कि डायरेक्ट एक लाइन से 30,000 चला गया, उसके पहले दोस्तों इसको 30,000 का जो आप इसको स्टॉप लॉस देखोगे ना, तो इसका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है 30,000 के लिए, ये वापस यानी कि आपको 26,000 भी आ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि 30,000 चला गया, 26,000 घूम के भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे खड़ा है। इसका स्टॉप लॉस खड़ा है दोस्तों 24,230 के लगभग इसका स्टॉप लॉस खड़ा है, जो कि यानी कि 25,000 आके भी 30,000 जा सकता है। इस बात को आप इग्नोर नहीं करेंगे कि 30,000 जाएगा तो यहीं से 30,000 चला जाएगा वो, लेकिन इसका जो मैंने छोटा स्टॉप लॉस जो निकाला था मैंने कि इसको ब्रेक कर गया जब तभी वो यानी कि 24,000 जो मैंने 230 का स्टॉप लॉस बताया था कि वो वहाँ तक फिर वो स्टॉप लॉस तक जाने की इसकी संभावना यानी कि वो फिर वो स्टॉप लॉस बाद में काम करेगा, इसके पहले यहाँ पे जो स्टॉप लॉस खड़ा है वो खड़ा है 27,300 के समथिंग मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस निकाला था। तो ये आपके सामने मैंने बताई भी था 27,300 के समथिंग इसमें एक स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, नहीं सॉरी दोस्तों 27,300 नहीं 26,300, ठीक है 26,300, ठीक है कि 26,300 पे इसका एक स्टॉप लॉस खड़ा है, जो कि ये 27,400 के टारगेट और 27,800 के टारगेट के लिए ये टारगेट इन टारगेट के लिए स्टॉप लॉस है, और जो मैक्सिमम 30,000 है उस टारगेट के लिए दोस्तों ये 24,230 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को दोस्तों स्टॉप लॉस को यहाँ पे इग्नोर ना करेंगे आप, और यहाँ पे अपने एडवाइज़र से सलाह तो लेना ही है, और एजुकेशन पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार यहाँ पे टेक्निकल चार्ट को मैं यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको उस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है बैंक निफ्टी, ये लो लगाया था, उसके बाद में इसने ये हाई लगाया है, इस लोअर हाई चल रहा है, फिर लोअर हाई चल रहा है, ये लोअर हाई चल रहा है,
हायर हाई भी यहाँ चल रहा हूँ मैं, ये हाई लगाया, उसके बाद ये ऊपर हाई, ये इसके ऊपर हाई, ये हाई इसके ऊपर ही आ रहा है, और ये अब नया हाई की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, जो कि ये निकल के आ रहा है 27,800 के ऊपर निकल के आ रहा है। 27,400 का यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट, जो मैंने बताया था कि 27,400 इस हाई को वापस ये गेन करेगा, तो वापस गेन कर चुका है, और इसके यानी कि 27,430 का यहाँ पर ये टारगेट दे चुका है बैंक निफ्टी। दोस्तों मैं अब आगे की रणनीति आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वहाँ पे, जो आप एक बार ध्यान से यहाँ पे सुने और एजुकेशन पर्पस से इसको दोस्तों आप लेवें, और ना कि इसको एक आप जुए की तरह लेवें, और एक कहें कि आप इसमें इन्वेस्टर या कहें कि अपने बिजनेस की तरह से इसको लेवें, या कि एक ना कि जुए के रूप में लेवें, कि एक में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। कि अपन मान लो मैंने कह दिया और आपने पैसा लगा दिया नाप सनाप, तो ये बहुत दोस्तों गलत बात है। अपने के लिमिटेड लगाना चाहिए कि मैं तो बैंक निफ्टी में 10,000 मंथली खर्च लगाता हूँ, तो 10,000 ही रहे, चाहे आपको कितनी 100% एक्यूरेसी मिल जाए, चाहे ऐसी कितनी आपको एक डबल एक्यूरेसी मिल जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक लिमिट होनी चाहिए कि आप 50,000 लगा रहे तो आपकी कैपेसिटी, आप मतलब करोड़पति हो, आप 50,000 आप लगा सकते हो हर मंथली बैंक निफ्टी के लिए, तो आप लगा सकते हो। आप 1,00,000 रुपये हर मंथली लगा सकते हो, बैंक निफ्टी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है। लेकिन आपके पास कैपिटल सी है 2,00,000 का है, तो आप उसमें फिर जैसे कि 5,000 लगा रहे हो, 10,000 लगा रहे हो, तो वो आपका यानी कि वो हर महीने वही एवरेज रहना चाहिए। नहीं कि एक महीने में आपने 1,00,000 रुपये लगा दिया, कैपिटल रहता 5,00,000 का, 1,00,000 खत्म हो गई, आपकी 1,00,000 को वापस उस 1,00,000 को कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये ध्यान रखें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए इसको मैं जो बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो सतर्कता वाली बात बता रहा हूँ, कि बैंक निफ्टी की अब जो यहाँ पे जो चार्ट जो टारगेट से बोल रहा है कि टारगेट तो ये जाएगा, लेकिन ये इसमें टारगेट में उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे उतार और चढ़ाव यहाँ पे जारी रहेगा, इस चीज़ को यहाँ पे इन शब्दों को यहाँ पे ध्यान से ध्यान देवे कि उतार चढ़ाव, यानी उतरेगा भी और फिर चढ़ेगा भी। तो कल की जो इसकी बैंक निफ्टी की जो रणनीति, कल यानी कि आने वाले दिनों में जो रणनीति है दोस्तों, जो मैं इस प्रकार ही हमें यहाँ पे रह सकती है कि बैंक निफ्टी, जैसे कि मान लो मार्केट के कल अभी इफेक्ट है एस जेक निफ्टी, अभी आज तो ओपन नहीं हुआ है, कल एग्जेस निफ्टी एस जी एक्स निफ्टी अगर गैप अप में दिखाता है, प्लस में दिखाता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कल आपको गैप अप ओपनिंग खुल सकती है, जो कि 100-200 पॉइंट जितने भी गैप अप है, यानी कि एक जब निफ्टी अपना 50 के समथिंग खुलता है, तो बैंक निफ्टी अपना 150-200 पकड़ लेते हैं, वो खुल जाता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो इसमें आपको कल गैप अप ओपनिंग होते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, समझ रहे हो मेरी बात को। गैप अप ओपनिंग होती है इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब इसमें फर्स्ट टारगेट है इसने 27,400 का दे दिया है, सेकंड टारगेट 27,800 का है, जो कि यहाँ पे इसको दिखाने से पहले इसमें एक ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, बैंक निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी अगर ये कल में यानी कि एक ही दिन में 27,800 नहीं आता है, तो ये एक बार 27,400 के नीचे वापस जा सकता है, यानी कि अभी नीचे दिखाई रहा है आपको, एक बार 27,400 के नीचे ये जा सकता है, 27,400 या 27,300-27,200 वापस भी ये खिसक सकता है, यानी कि वहाँ पे ये अभी स्टेबल है, 27,000 तक है ये स्टेबल है, यानी कि घूम घुमा के नीचे आ जाए, उसी दिन ऊपर चला जाए, क्योंकि ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो नीचे आ सकता है। भाई दफा मान लो कल एस जी एक्स निफ्टी, जैसे कि मान लो अभी आज क्रूड ऑयल अभी ना तो प्लस में है ना माइनस में, अभी एक फ्लैट कारोबार कर रहा है, वाई दफा क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, एक चीज निफ्टी मान लो नेगेटिव में आ जाता है, 40-50 पॉइंट या 50 पॉइंट नेगेटिव में चला जाता है, तो अपनी जो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग मान लो 100-150 पॉइंट नीचे आती है, ठीक है। तो यानी गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ में इसमें थोड़ा सा और है, जैसे कि करेक्शन आ सकता है। आपको ये है नोट किया होगा कि इसमें कभी भी अपन ने जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसमें क्या है वो, यानी कि 10% चांस ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपनिंग, जिस जगह गैप डाउन ओपनिंग हुई उसी जगह से मार्केट उठ गया, ये सिर्फ 10% चांस में होता है, बाकी 10% यानी कि 90% चांस में ऐसा होता है कि 90 गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में कुछ थोड़ा सा करेक्शन और नीचे आता है। और यानी कि गैप अप ओपनिंग होने पर गैप अप ओपनिंग होने पर यानी कि इसमें 30% ही चांस ऐसा होता है गैप अप ओपनिंग होने पर कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद में ऊपर भगा, लेकिन 70% केसेस में चांस में ऐसा होता है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में एक यानी कि थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग उसमें आती है, ज़रूर उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अपन भी मार्केट में देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो काफ़ी दिनों से, और यानी कि कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ, तो यानी कि गैप अप ओपनिंग होने के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि लोगों उछाल दिखता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और 30% थोड़ा सा उसमें उछाल आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि बैंक निफ्टी अपना फर्स्ट टारगेट दिखा चुका है, ये अपना सेकंड टारगेट इसमें 27,800 का है, और लॉन्ग टर्म मैक्सिमम हाई इसमें 35,000 की संभावना यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रही है, जो कि मैंने यहाँ पे इस चार्ट से बताया था, और वो चार्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस चार्ट को मैं यहाँ पे पेश कर दूँ आपके सामने, तो यहाँ पे मुझे कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको ये टारगेट दिखा सकता है।
जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में ये हाई लगाने के बाद में यहाँ पे 4-5 हज़ार का गिरावट आई। उसके बाद फिर इसका नया हाई लगाया है और इस नया हाई में 27,600 और 28,400 पॉइंट गेन किया। लेकिन कहाँ से गेन किया था यह भी देख लीजिए आप, 23,600 से और 28,000 डायरेक्ट, यानी कि इसने 5,000 पॉइंट का गेन किया है लो से। और अब फिर उसके बाद में 28,000 से इसने डायरेक्ट 24,000 यानी कि 200, यानी कि फिर इसने डायरेक्ट 4,000 लॉस किया है। यानी कि हर बार नया हाई बनाने के बाद में 4-5,000 ये लॉस करता है। अब नया हाई जो बन रहा है, जो नया हाई बनेगा, जो अब यहाँ पे जो 30,000 के लगभग निकल के आ रहा है, यानी कि जो हो सकता है 29,500 पे सिमट जाए, हो सकता है ये 29,200 पे सिमट जाए, ठीक है, हो सकता है 29,000 तक ये चला जाए, हो सकता है 28,000 ये 800 चला जाए। लेकिन संभावना मुझे लग रही है कि ये जो इसकी मुझे एक्यूरेसी निकल के आ रही है उसमें ये लग रहा है कि 30,000 के लगभग जाके ये एक ये यू टर्न लेगा, वापस एक रिवर्स लेगा, जो कि इसका जो बनता है वापस 25,000 तक आने का चांस बनता है, जो कि 30,000 यानी कि एक नया हाई लगाने के बाद में। अभी इसका नया हाई 28,300 है, क्योंकि उसके ऊपर नया हाई लगाता है तो 28,500, 700 या 800 तक जाता है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम मुझे निकल के आ रहा है, वहाँ से लग रहा है कि 30,000 के लगभग ये जा सकता है, वहाँ से ये एक यू टर्न लेगा, तो इसके वापस ये 25,000 जहाँ से ये है ये लेवल से 25,000 तक ये टच कर सकता है। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। ये शॉर्ट टर्म के जो मैं यहाँ पे मैं अगर देखूँ शॉर्ट टर्म का चार्ट, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ही चार्ट आ चुका है। ये शॉर्ट टर्म के चार्ट में दोस्तों ये बिल्कुल देखो, ये इसको ब्रेक हाई ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, अब इसको ब्रेक कर चुका है यहाँ पे। ये कैंडल ये मैं देखूँ तो इसको बिल्कुल ब्रेक कर चुकी है। 27,400 का जो लेवल्स था वो ब्रेक हो चुका है, और ब्रेक होने के बाद में भी 27,400 के करीब बैंक निफ्टी पे यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन ध्यान याद यहाँ ये देंगे कि कल इसकी जो गैप अप ओपनिंग होती है या इसकी गैप डाउन ओपनिंग होती है,